आज की वाणी है 23/5/64 की। रिकॉर्ड चला है किसने ये सब खेल रचाया, मीठे मीठे सिकीले बच्चे इस गीत का अर्थ जरूर जानते हैं। बरोबर माया ने हमारे ऊपर वार किया और कीचड़ में डाल दिया। सतयुग में तो सदैव सुखी सुख है। शिव बाबा कहते हैं, मेरे लाडले सालिग्राम बच्चे, तुम सतयुग में कितने सुखी थे, फिर माया करके चिपटी तो कीचड़ पट्टी में डाल दिया। कितना घोर अंधेरे में पड़ गए हो। अभी आकर के मैं तुमको कैसे जगा रहा हूं, कुंभकर्ण की नींद से कहो, बांसुरी नींद से कहो, मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते हैं। बल मनुष्य हैं, परंतु जैसे जानवर हैं, कुछ भी पता नहीं है कि हमारा बाप कौन है। भक्ति मार्ग में कहते हैं, ओ गॉड फादर, रहम करो, परंतु समझते नहीं है हम कैसे दुख के कीचड़ में अथवा विषय सागर में कुंभकर्ण कुंभी पाक नरक में आकर के गिरे। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल घोर अंधेरे में पड़े हैं। और बाप कहते हैं कि दुख के तो अभी पहाड़ गिरने हैं। मनुष्य समझते हैं, आपस में माथा मारते हैं कि शांति हो जाएगी, शांति सम्मेलन करते रहते हैं, परंतु बाप समझाते हैं अभी ये पुरानी दुनिया खत्म हुई कि हुई, ये तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते हो कि ये सारी पुरानी दुनिया बदल रही है। और कौन बदला रहे हैं, बिलबिड मोस्ट वैल्यूबल मात पिता, तो फिर औरों को भी जगाना चाहिए। उन बिचारों को तो कोई भी का भी पता नहीं है। इन विद्वान आचार्य पंडितों ने ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में लिख दी हैं कि सबको सुलाई दिया है। तो जैसे बाप का फर्ज है जगाना, तो बच्चों को भी भाई बहनों को जगाना चाहिए। कुंभकर्ण की नींद में ऐसे सोए पड़े हैं कि जागते ही नहीं है, तो भगवान को आकर के जगाना पड़ता है। जगाया जाता है ना बच्चे, अब सवेरा होता है। बाप भी कहते हैं, अब घोर अंधेरे से घोर सोजरा होने वाला है, अब तो जागो। परंतु इस नींद को मनुष्य नहीं जानते हैं। बाप है बिलेबड मोस्ट, तो बच्चे भी ऐसे मोस्ट बिलेबड चाहिए। बिलेबड मोस्ट गॉडफादर से तुमने जन्म लिया है ना, बरोबर बिलेबड मोस्ट हेवन के मालिक बन रहे हो। भारतवासी हमेशा लक्ष्मी नारायण को, राधे कृष्ण को मोस्ट बिलीव्ड कहते हैं,
कृष्ण को कितना याद करते हैं। तो ऐसा बोस्ट विलेवटी किसने बनाया? लक्ष्मी नारायण को कहो या कृष्ण को कहो, बनाने वाला कौन है? इन्हों को बनाया है ये कोई नहीं जानते हैं। बाप आकर के फिर से नॉलेज दे रहे हैं, फिर से मोस्ट बिलीव्ड प्रिंस प्रिंसेस बनाए रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी कॉलेज है, पढ़ने वालों के लिए कितने बड़े बड़े हीरे जवाहरातों की कुर्सियां होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में भी सोमनाथ का मंदिर बनाया तो कितना हीरे जवाहरातों से सजाया है। और यहां पढ़ते हैं देखो कितने साधारण, पट्ट में बैठे हो ना, परंतु बच्चों में भी नंबरवार हैं। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो, ये याद करने की कितनी सहज बात बताते हैं। इसका नाम ही है सहज राजयोग। और फिर औरों को भी जगाना है, अपने अपने घर में भी ये बोर्ड लगा दो, हे बहनों हे भाइयों, अपने परमपिता परमात्मा से आकर के स्वर्ग का सदा सुख का वर्षा प्राप्त करो। और वो भी इस पुरानी दुनिया के होवनहार विनाश से पहले वर्षा प्राप्त कर लो। इस बोर्ड को तुम्हारे सिवाय और कोई भी घर में नहीं लगा सकता। बाप कहते हैं हे बच्चे अब बहुत रहम दिल बनो, सबको खूब जगाओ, निमंत्रण पत्र छपाओ, बहनों भाइयों आकर के अपने परमपिता परमात्मा से जन्म से अधिकार स्वर्ग का वर्षा लो। 100% प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी का वर्षा ले लो। और नीचे एड्रेस लिख दो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ऐसे ऐसे लाखों की तादाद में पर्ची बांटो। ऊपर में गीता का भगवान शिव बाबा भी हो और नीचे लिखो इस बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेना तुम्हारा ही हक है। फिर बाजू में भले लक्ष्मी नारायण का चित्र भी लगा दो। लाखों लाख छपाई करके अपने अपने शहर में एरोप्लेन से गिराओ, वाइस्कोप में भी डालो। इसको कहा जाता है कम खर्च बाला नशी, बहुत सहज बात है। हर एक अपने अपने बड़े बड़े शहरों में सर्विस करे, खर्चा तो जास्ती नहीं है। गांधी जी ने जब फॉरेनर से राज्य लिया था तो करोड़ों रुपया खर्च हुआ था और करोड़ों मनुष्य बेचारे बर्बाद हुए थे। यहां तो बर्बादी की कोई बात ही नहीं है। गांधी बापू जी उनको जो कुछ मिलता था वो इसी काम में लगाते थे। बहुत मनुष्य जेवर आदि ले आते थे। फिर गांधी जी खास राज्य लेने के काम में लगाते थे। यहां तो सारी बात तुम्हारी बुद्धि की है। सेंटर खोलो बोर्ड लगाओ तो तुम्हारे पास बहुत आ जाएंगे।
तुम बच्चे सर्विस के लिए विचार सागर मंथन नहीं करते हो, बाबा तो तुमको बहुत डायरेक्शन देते रहते हैं, कहते हैं ऐसे ऐसे करो ऐसे नहीं करो, माया के तूफान तो बहुत लगेंगे। तुम कोशिश करेंगे बाबा को याद करने की, कोशिश करेंगे सृष्टि को पवित्र बनावे, परंतु माया तुम्हारी याद को भुलाई देगी, सारा योग तोड़ देगी। तो सारी बात प्योरिटी की है। कन्या भी पहले प्योर होती है तो माँ बाप आदि सब उसके सामने माथा झुकाते हैं, फिर कन्या शादी कर लेती है तो सब के सामने जाकर के माथा टिकाना पड़ता है। तो देखो कितना प्योरिटी इम्प्योरिटी का फर्क पड़ जाता है। 23:564 की वाणी का दूसरा पेज। वैसे अपवित्र मनुष्य देवताओं के आगे सन्यासियों के आगे माथा टेकते रहते हैं, क्योंकि वो पवित्र हैं। आजकल तो बहुत अंधश्रद्धा है, जो सन्यासी माता को विधवा बनाए देते हैं वो तो कहते हैं ना मां नारी नरक का द्वार है। फिर देखो माताएं जाकर उनके चरण धोकर पीती हैं, कितना नमन करती रहती हैं। ये अंधश्रद्धा की बातें हैं, बाप समझाते हैं तुम ये क्या करती हो, तुम पति को गुरु ईश्वर आदि मानती, फिर इन दूसरे गुरुओं के पास क्यों जाती हो। कहते हैं हिंदू नारी का पति ही ईश्वर है, वास्तव में तो पति का अर्थ है रक्षा करने वाला, तो शिव बाबा ही सबका पति है, वो ही बाप टीचर गुरु सर ईश्वर सब कुछ है। उनका मर्तबा फिर विद्वान पंडितों ने लौकिक पति को दे दिया, परमपिता परमात्मा तो बाप है, वो बैठ करके थोड़े ही बच्चों से ऐसे पैर धुलवाएगा माता टिकवाएगा। बाप तो बहुत प्यार से बच्चों की पालना करते हैं। कहते हैं तुमने आधा कल्पे एक दो को जहर पिलाया, आदि मध्य अंत कितना दुख दिया है, ये मृत्यु लोक है, आदि मध्य अंत दुख है। बच्चे की पैदाइश करते हैं तो भी कितनी कमजोरी महसूस करते हैं, मध्य में बच्चा पैदा होता है तो माता को कितना दुख होता है, अंत में जब शरीर छोड़ते हैं तो भी दुख। अब तो सतयुग आने वाला है, अमर लोक, जहां दुख की कोई बात नहीं होगी, उसमें तो आदि मध्य अंत सुखी ही सुख रहता है। भारत स्वर्ग था ना, तो अब बाप बच्चों को राय देते हैं, एक तो अपने ऊपर रहम करो, बाप को याद करो और पवित्र बनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान रहना है, और कार्य व्यवहार भी सबको करना है। ऐसे नहीं कि कार्य व्यवहार छोड़ देना है। बाप कहते हैं लाड़ले बच्चे अब भिख के लिए शादी न करो, और जो शादी किए हुए हैं उनको कहते हैं एक जन्म माई से एक पवित्र रहो,
बच्चे अब मेरी दाढ़ी की लाज रखो, भारतवासियों को स्वर्गवासी बनने में मदद करनी है, अब विकारों में मत जाओ। बाप की दी हुई नॉलेज जो षष्ठी के आदि मध्यंत की नॉलेज है वो बुद्धि में रखो। कहते भी हैं ईश्वर की गति मति बहुत न्यारी है। अब ईश्वर तो सदगति की मत देते हैं जो सबसे न्यारी है, और वो ही जाने और न जाने कोई, बरोबर उनकी गतिमति कोई भी नहीं जानते हैं ना, खुद ही आए करके सदगति के लिए श्रीमत देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए मत देते हैं। दुनिया में तो देखो कितने बड़े बड़े आदमी हैं, परंतु उनको भी मारने में देर नहीं करते, गोली लगाई और ये मरा। तो देखो मौत भी कितने में हो जाता है। यहां तो बाप तुमको गुप्त वेश में पढ़ाते, और वो बाप है निराकार, जैसे अंडरग्राउंड आर्मी होती है ना, अंडरग्राउंड का अर्थ समझते हो, धरणी के अंदर है कोई रहते होंगे, अंडरग्राउंड अर्थात गुप्त वेश में। अंडरग्राउंड चोर भी हो जाते हैं, कोई समझे ये चोर है, चोरी करके एकदम गुम हो जाते हैं, अपना सारा वेश ही बदल देते हैं। अभी बाबा भी आया हुआ है गुप्त, कहते हैं मैं इस शरीर में आया हुआ हूं, नहीं तो मैं निराकार हूं, कैसे आकर के तुमको पढ़ाऊंगा, तुम तो गर्भ में जन्म लेते हो, मुझे तो गर्भ से जन्म नहीं लेना है, मैं तो किसी के मुखवंशावली नहीं बन सकता, मेरे वंश बनेंगे। कहते हैं बाबा मैं आपकी हूं। बाबा कहते हैं मुझे इस सुख मुख से आए बोलना होता है, अभी तुम इस बेहद के ड्रामा के आदि मध्यंत को जानते हो, मैं ही तुम्हारा माता पिता सखा बंधु सब कुछ हूं। गुप्त वेश में मुझे खुदा दोस्त भी कहते हैं। तुमको एक सेकंड में स्वर्ग की राजधानी का साक्षात्कार कराता हूं। तो भी देखो कई मनुष्यों को संशय पड़ जाता है, कहते ये तो जादूगर है, ऐसा है, अरे ये तो जो कुछ हुआ ड्रामा अनुसार हुआ ना, ड्रामा में ऐसा था, तो ड्रामा को अच्छी रीति समझना है और बाप मिसल रहम दिल बनना है। बाप देखो आए कर कितनी आत्माओं पर रहम करते हैं, वो है गॉड फादर, कहते भी हैं रहम करो ब्लिस करो, ब्लिसफुल है ना, ब्लिसफुल माना सारे बच्चों पर ब्लिस करते हैं, और सबसे अच्छी ब्लिस है मुक्ति, जीवन मुक्ति की। वहां नई दुनिया में तुमको कोई भी वस्तु दुखदाई नहीं होगी। ये पुरानी दुनिया को बदलना तो बाप का ही काम है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाए रहा हूं, मालिक बनाने के लिए पढ़ाए रहा हूं, आप सिर्फ मुझे याद करो। ये है गुप्त रूप की मेहनत। तुम्हारी रूह गुप्त है ना, तो गुप्त रूह ये गुप्त मेहनत करेगी,
हे बच्चे, ये अक्षर बाप बिगर कोई नहीं कह सकता है। तुम क्यों मुझे हुए हो? अभी सिर्फ पवित्र बनो। मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आया हुआ हूं और आया हुआ हूं मूतपलीती कपड़ धोने के लिए। योग बल से तुम्हारे कपड़े धोता हूं। तो अब सिर्फ मुझे बाप को याद करो। इस याद से तुम्हारे सारे भारत का, खास भारत का और दुनिया का आम कल्याण कर देता हूं, स्वर्ग बनाए देता हूं। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति में दे करके छुप जाता हूं। फिर ये ज्ञान सारा लोप हो जाएगा। राजधानी स्थापन हो गई तो फिर मैं यहां रहकर क्या करूंगा? तुम बच्चों को राजभाग देता हूं और चला जाता हूं। 23/5/64 की वाणी का तीसरा पेज। कोई कोई बाप के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं तो उनको देख करके बाप की दिल खुश हो जाती है। बच्चा पैदा होता है तो भी बड़ी खुशी होती है। कोशिश करेंगे इनको ऊंच पद दिलावे। कोई कोई तो ऐसे भी होते हैं, बाप 50 रुपया कमाने वाला होगा, बच्चा 50,000 कमाने लग पड़ेगा। इन बाबा के लौकिक बाप को 13 रुपया पेंशन मिलती थी। फिर बच्चा देखो इतना बड़ा बन गया। बस बाप ने बच्चे को कहा, बच्चे अब मेरी काशीवास का प्रबंध करो, हम तो वहां ही जाकर के शरीर छोड़ेंगे। शिवकाशी, शिवकाशी कहते हैं ना, तो बनारस में शिव की काशी है, शिव का काशी धाम है, मंदिर है, परंतु मनुष्य समझते कुछ भी नहीं कि शिव कहां है। क्या वो काशी में आया था? अभी शिव बाबा तो भारत में आया है ना, मगध देश में आया है, शास्त्र में भी है, जहां मगरमच्छ जैसे मनुष्य रहते हैं वहां ही आते हैं। खूब शराब, कबाब, कच्ची मच्छी खाने वाले हैं, लिखा हुआ है, परंतु मनुष्य अर्थ नहीं समझते। अभी हमारी बुद्धि जानती है। ये सारे मनुष्य सरसों मिसल धानी में पीछे जाएंगे। सतयुग में तो होगा ही एक धर्म। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी ड्यूटी वर्ल्ड सॉवरेंटी, वहां तो था ही लक्ष्मी नारायण का राज्य। वो राज्य किसने और कब स्थापन किया? कलयुग अंत में तो कुछ भी नहीं है। सारी दुनिया जैसे ठन ठन गोपाल है, कितना लड़ाई झगड़ा मारामारी चलता है। इस समय तो दुनिया में खून ही नाहक खेल का पार्ट है, अर्थात नाहक कोई का खून करना। हिरोशिमा में बम से गिरे, देखो क्या हाल हो गया, अभी तक बीमार पड़े हुए। तो ये बेहद का विनाश होगा तो अस्पताल हैं, डॉक्टर आदि थोड़े ही रहेंगे। इतने सब कैसे खत्म हो जाएंगे? कैसे अर्थक्वेक में दब जाएंगे, फ्लड्स में सब चले जाएंगे? ऐसे थोड़े ही होगा जो बीमार पर चिल्लाते रहें, जैसे आग दे करके जलाते हैं। अभी तो बिजली पर ऐसा निकला है सेकंड में खलास हो जाता।
इतने सब मनुष्यों का विनाश कैसे होगा, ये भी वंडरफुल बात है। अभी सभी प्रकार की नेचुरल कैलेमिटीज मदद करती हैं, ये कोई नई बातें नहीं है। अनेक बार ये स्थापना विनाश और पालना का कार्य चला है। बच्चे जानते हैं कि अनेक बार हमने राज्य लिया है और अनेक बार गंवाया है। ये विनाश तो जरूर होगा, नहीं तो सतयुग कैसे स्थापन होगा। आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन होता है तो और सब धर्म टालियां प्राय लोप हो जाती हैं, फिर एक ही धर्म रहता है। यहां तो दुनिया में देखो अनेक धर्म हैं। अब ये रात पूरी होकर के दिन होना है, वंडरफुल बातें हैं। और ये है सब बाप की करामत। बाप कहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए मुझे कितना याद करते हैं, कितने व्रत नियम आदि रखते हैं, 7 रोज सिर्फ जल जल ही जल पियेंगे। समझते थे बस ऐसे रहते रहते प्राण निकल जाएं तो हम कृष्णपुरी में चले जाएंगे। इस ख्याल से व्रत नियम रखते थे। अभी बाप कहते हैं लाडले बच्चे, इतना सब कुछ करने की दरकार नहीं है, सिर्फ मेरी मत पर चलो। तो सब बच्चे कहते हैं हम राजाओं का राजा बनूंगा, लक्ष्मी को वरूंगा। बाबा बच्चों को नारद का मिसाल भी देते हैं। तो बच्चों को सब राज बता करके सदा सुखी सदा सलामत बनाते। अच्छा बच्चों को एवर वेल्दी बनाकर फिर खुद गुम हो जाता हूं। बाबा खुद कहते हैं मैं निर्वाण धाम में चला जाऊंगा। इसको सच्ची सच्ची निष्काम सेवा कहा जाता है। मैं तो कुछ भी नहीं लेता हूं। मनुष्यों को अच्छे व बुरे कर्म का फल तो जरूर मिलता है, बाबा को तुम क्या फल देंगे? बाबा तो सबको फल देने वाला है, न कि लेने वाला है। कहते हैं कदम कदम पर श्रीमत पर चलेंगे तो तुम्हारे कदम कदम में पदम होंगे। तुम जानते हो बाबा के बरसन सम को स्वर्ग का मालिक बनाने वाले हैं। अभी चार्ट रखो, ऐसे मोस्ट बिलीवर्ड बाप को हमने कितना समय याद किया। बाबा अपना अनुभव भी बतलाते, आस्ते आस्ते दौड़ी पहनते पहनते चलेंगे, रिजल्ट तो अंत में निकलेगी। ऐसे थोड़े ही है कि ट्रेन पकड़ते ही स्टेशन पहुंच जाएंगे। शीघ्र ही अगर आ जाए तो फिर फ्लैग कैसे मिलेगा? पूरे टाइम पर स्टेशन पर पहुंचेंगे। बच्चे पुरुषार्थ बहुत करते हैं और हरेक का कल पहले में मुआफिक पुरुषार्थ होता है। बाप भी साक्षी होकर के देखते रहते हैं। हर एक सेंटर की ब्राह्मणी साक्षी होकर देखती है, ये तो बहुत अच्छा पुरुषार्थी है। तो बच्चों को अच्छा पुरुषार्थी बनने के लिए रेगुलर स्टूडेंट बनना चाहिए। सो भी 7 रोज पहले पहले पढ़ो, फिर रेगुलर स्टडी भी करनी है। मन मना भव मध्य आजीव की हर वक्त श्वासों श्वास ये स्टडी करो और बाप को याद करते रहो। ये स्टडी हुई ना, उठते बैठते चलते फिरते, टट्टी पर जाते हो तो भी यही स्टडी करो, बाप वर्षे को याद करो। ऐसे तुम करेंगे तो बड़ी मौज में चलते रहेंगे।
23,564 की वाणी का चौथा पेज, याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश भी नहीं होंगे, क्योंकि मुख्य तो याद की बात है। ऐसे नहीं हमको योग में बिठाओ, नहीं, कहां भी बैठे चलते खाते तुम आप ही याद करो। खास क्यों बिठा मैं, बाप को याद करते तुम चलते जाओ, तुम कभी भी थकेंगे नहीं और तुमको बहुत ताकत मिलेगी। तुम पुरुषार्थ करके देखो, बाप कहते हैं बच्चे अभी संशय बुद्धि ना बनो, ये संशय बुद्धि माया बनाती है। बाप में निश्चय बुद्धि सुविजयंती, तो ऐसों को फिर वर्षा भी मिलेगा। ये सब बुद्धि से समझने की बातें हैं, विघ्न तो जरूर आवेंगे परंतु उसमें रूसने की कोई बात नहीं है। तुम क्यों कमजोर बनते हो, लक्ष्य तो तुमको मिला हुआ है। कहते हैं हमारी ब्राह्मणी बदलने से हम ढीले पड़ जाते हैं। ब्राह्मणी लिखती है 15 रोज छोड़ने से डगमग हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, रेत के ढेर पर खड़े हैं क्या? दूसरी ब्राह्मणी से तुम्हारी नहीं बनती है। बाप कहते हैं मन मना भव, ऐसे ऐसे तुम ब्राह्मणी की पिछाड़ी क्यों लगते हो। सिंधवर्कियों के बहुत दुकान होते हैं, तो जो एबल हैंड होते हैं, अच्छे कारोबारी होते हैं, वो चलाते हैं, मैनेजर लोग भी संभालते हैं, प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते हैं तो दूसरे गद्दी भर लेते हैं, फिर कोई का टेढ़ा बा का कारोबार हो जाता है। ऐसे होता है ना, बाप समझाते हैं अभी अपन को मजबूत बनाना है। ब्राह्मणी तो कब है कब नहीं रहेगी, और चेंज भी किया जाता है। ब्राह्मणी नहीं होती है तो गिर पड़ते हैं, लिखते हैं बाबा ब्राह्मणी को चेंज ना करो। अरे चेंज क्यों नहीं करें, तुम क्यों नहीं तख्तनशीन बनते हो। पुरुषार्थ करो मम्मा बाबा के तख्तनशीन बनने का, मास्टर रहमदल, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर ब्लिसफुल बनना है, सबको रास्ता बताना है। ये रास्ता कोई भी नहीं जानते हैं, कोई कोई भी जाकर के तुम बाप का परिचय दो, बोलो मोस्ट बिलीवेड बाप आए, कहते मुझे याद करो तो अंतमते से तुम्हारी गति हो जाएगी, मैं तुमको ठिकाना दिखाता हूं, कहता हूं तुम असल में परम धाम वासी हो। अभी बाप को याद करो, क्योंकि पापों का बोझा बहुत है, सिवाय योग अग्नि के वो पापों का बोझा भस्म नहीं हो सकेगा। हरे कहता है बाबा को याद करते करते बाबा के पास चले जावे, राम नाम कहने व कृष्ण को याद करने से क्या होगा, अभी तो सर्वशक्तिवान बाप को याद करना है। ये कृष्ण कोई सर्वशक्तिवान है क्या? बाप से शक्ति लेकर तुम वो देवता बनते हो तो उनको सर्वशक्तिवान थोड़े ही कहेंगे। अच्छा बाप तो बीके को भी वार्निंग देते हैं, यहां ही दास दासियां रखकर बैठ जाते हैं, अपनी सेवा कोई से भी नहीं करानी है, यहां कोई से सर्विस लेंगे यह गिलास उठाकर दो, कपड़े धुलाई करो, यह करो, तो वहां दास दासी बनना पड़ेगा। यहां कोई को भी राजा रानी बनकर नहीं बैठना है, यहां तो तुम सेवाधारी हो, राजा रानी नहीं हो।
हरेक को अपने हाथ से सब कुछ करना चाहिए। अगर कोई से स्थूल सर्विस लेंगे तो फिर जन्म जन्मांतर भर करके देनी पड़ेगी। इसलिए कोई भी बात हो झट बाबा को रिपोर्ट करो, क्योंकि बाबा अगर सावधानी नहीं देंगे तो फिर पक्के हो जाएंगे। हरेक सेंटर के बच्चों को आपस में मिलना चाहिए, सर्विस को कैसे बढ़ावे, क्योंकि सर्विस तो करनी ही है ना। बाबा का सेल्समैन बनना है, अविनाशी रत्नों का दान जरूर करना है। कहा जाता है धन दिए धन ना कूटे, तुम डबल फ्रंट तो पृष्ठ बनते हो, सब कुछ बाबा को दे देते हो। फिर शिव बाबा जो खजाना देते हैं वो भी दूसरों को बांटते हो। अच्छा, मीठे मीठे शिव बाबा, दादा मम्मा, मीठे मीठे से किल्ले, लकी स्टार्स के प्रति याद प्यारो, गुड मॉर्निंग। बाप तो कहते हैं पतित पावन एक ही है, फिर पतित पावन तुम गंगा को क्यों कहते हो? मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं तो निर्विकारी रहते हैं, फिर आकर के गटर में गिर जाते हैं। वैसे ही सन्यासी भी कुंभ के मेले पर जाते हैं, गंगा स्नान करके पाप धोते हैं, फिर कुंभ का मेला लगेगा तो फिर जावेंगे स्नान करने, तो गोया फिर पतित बन गए। बाप समझाते हैं पतित दुनिया में पावन कोई भी नहीं हो सकता, ये तो है ही नरक की दुनिया। बाप ही आकर के भारत में किंगडम स्थापन करते हैं, कलयुग में फिर किंगडम खत्म हो जाती है, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज हो जाता है, बिल्कुल खाली खोखले बन गए हैं। बहुत मीठा बहुत रहम दिल बनना है, किसको दुख नहीं देना है, प्यार से काम लेना चाहिए। प्यार से तुम किसको भी वश कर सकते हो, किसी को थप्पड़ मारना, गुस्सा करना, ये क्रोध की निशानियां हैं। अच्छा, ओम शांति।